जागरा मिशन 2024 पर बोले हैं भारतीय जनता किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा यूपी में सभी 80 की 80 सीटें जीतेगी। सपा परिवारवादी पार्टी है जो राजनीति के नाम पर दुकान चलाती है। ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोप पर राजकुमार चाहर ने कहा कि खिलाड़ियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं, सरकार उचित निर्णय लेगी। अस्सी सीटों को वो भी समाजवादी पार्टी भी मथने की तैयारी में, अखिलेश यादव ने पूरा फाइनल प्रोग्राम तैयार कर लिया। देखिए, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट हैं, तो 80 सीटों पे हर कोई राजनीतिक दल अपनी तैयारी करता ही है। अब अखिलेश यादव जी 80 सीटों पे अपनी तैयारी करें, उनकी कितनी सीटें उनके पास हैं आगे वो भी नहीं रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से, आप मेरे शब्द से याद रखिएगा, 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता में उनके प्रति बड़ा विश्वास पहले से चला रहा है और वो धीरे धीरे और बढ़ा है। शिवपाल जी ने कल कहा कि हम बीजेपी की लंका को दहन कर देंगे, अब वो समय आ गया है। इधर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव भी लगातार कह रहे हैं कि अब जेल भरने का समय है, अत्याचार चरम। आने वाले समय में जो परिवारवादी पार्टियां हैं, जो केवल अपने परिवार की चिंता करती हैं, अपनी पत्नी को ही लोकसभा दे दीजिए, अपने भाई को ही राज्यसभा दे दीजिए, अपने भतीजे को एमपी बना दीजिए, ये जो परिवारवादी पार्टियां हैं, जिन परिवारवादी पार्टियों ने दुकानें खोल रखी हैं, ये जनता की सेवा नहीं है, दुकान खोल कर धंधे कर रहे हैं, तो इनकी दुकानों को आम जनता समझती है। उन्हीं में से समाजवादी पार्टी है, उन्हीं में से समाजवादी पार्टी के नेता हैं। ये कितना भी प्रयास कर लें, उत्तर प्रदेश का पूरा जनमानस माननीय मोदी जी के साथ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में देश में प्रचंड बहुमत लाएगी और उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी, क्योंकि गरीब कल्याण से लेकर, विकास से लेकर, आज कानून व्यवस्था से लेकर जो उत्तर प्रदेश की जनता को चाहिए वो जनता को मिल रहा है। दोनों जो दल हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, और उसकी तरफ से जो तैयारियां चल रही हैं उसको लेकर भी राजकुमार चाहर का कहना है बीजेपी मिशन 80 को पूरी तरह से उस लक्ष्य को हासिल करेगी, और जो दूसरा मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, ये दल पूरी तरह से अपनी दुकान चलाने के लिए जनता के बीच रहता है। जनता एक बार फिर से बीजेपी पर ही भरोसा जताएगी। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।